कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार द्वारा बस किरायों में 25% की वृद्धि को अनुचित बताते हुए कहा है कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह जनविरोधी है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने यह भी कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार लोगों के साथ बड़ा अन्याय कर रही है। प्रदेश में COVID-19 के चलते सरकार ने लोगों को कोई भी राहत प्रदान नहीं की, साथ ही उन्होंने बताया। देखिए, इस आशय का समाचार आज अखबारों में प्रमुखता से छपा है और मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम लोगों को राहत दे रहे हैं, राहत कहीं नज़र नहीं आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, हिमाचल को कितना मिला ये बताएं। सरकार को चंदा देने के लिए आम लोग, गरीबों की मदद करने के लिए कोरोना काल में आम लोग, लेकिन आम लोगों को राहत कहाँ है? टैक्स की मार आम लोगों पे पड़ रही है। इन्होंने जो PDS सिस्टम है उसमें भी जो है बहुत लोगों को उस सिस्टम से बाहर किया और अब जिस ढंग से इन्होंने जो किराया बढ़ाया है, मुझे लगता है गलत है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से अगर ऐसा कोई निर्णय ले रही है उस पर रोक लगाए। जनता इसको मानने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर पूरी मुखर है। हम इस मुद्दे पे जल्दी ही सड़कों पे आने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा उस पर हमको आपत्ति है, क्योंकि इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो विश्व बाज़ार में बहुत ज़्यादा सस्ता है, लेकिन सरकार ने बजाय राहत देने के जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। हमने इस इशू को लेकर प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर हमने आंदोलन भी किया है, हमने इस मुद्दे को उठाया, प्रदर्शन भी किए हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल पे जो बढ़े हुए दाम है वो वापस लेने चाहिए और हिमाचल सरकार ने जो वेट डीजल और पेट्रोल पे लगाया है उसको कम किया जाना चाहिए। अगर कम होगा तो निश्चित तौर पे जो है किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो सरकार को डीजल और पेट्रोल पे जो वैट लगाया है वो भी कम करने की ज़रूरत है। जयराम सरकार हिमाचल में फैसले ले रही है, पहले तो आपने हिमाचल की सीमाओं को खोल दिया और आज हजारों की संख्या में लोग बगैर किसी परमिशन के हिमाचल में आ रहे हैं और कई जगह पकड़े जा रहे हैं। आपने खुली दावा दे दी है कि हिमाचल में आओ और साथ में कोरोना लाओ, क्योंकि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं पहले वो कहते थे कि हम हिमाचल को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने वाले हैं, लेकिन जिस ढंग से विरोध हुआ आज उन्होंने केंद्र सरकार के दबाव में आकर ये फैसला लिया। पूरी हमारी सीमाएं खुली है, कोई भी बेरोक टोक जो है यहाँ आ सकता है। एक बहुत बड़ी दावत जो है हम कोरोना को दे रहे हैं और जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो चिंता का विषय। दूसरी तरफ सरकार ने जो है अभी बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी की है। हिमाचल जो है बिजली पैदा करता है, यहाँ तो सस्ते दाम होने चाहिए लेकिन लोगों पे अनावश्यक रूप से बोझ डाला। सीमेंट हिमाचल में बनता है, सीमेंट के दाम लगातार जो है बढ़ते आए, सरकार का उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। और अब सरकार ने जो ये फैसला लिया है जो किरायों में वृद्धि कर रही है सरकार, निश्चित तौर पे लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष दल होने के नाते जनता के साथ खड़ा है। हम सड़कों में आके इसका विरोध करें।